मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग 12th क्लास के अंदर सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, पिछले वीडियो में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करी थी और फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी रिलेटिव लॉबिंग इन वेपर प्रेशर। आज हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए ये ग्राफ है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपन इसका मतलब समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या होता है। एलिवेशन का मतलब होता है कि किसी चीज का एलिवेट हो जाना, मतलब इंक्रीजिंग उसके अंदर, समझ में आ रही ना बात, इंक्रीज होएगा, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। एग्जांपल देखो, ये है, मान लेते हैं इसके अंदर हमने वाटर है, वाटर लिया और वाटर का हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इस वाटर के अंदर हमने क्या करा, एक सॉल्यूट डाला और सॉल्यूट भी किस कैटेगरी का था, नॉन वोलेटाइल था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही इसमें ऐड किया तो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था ना, वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब ये हुआ कि 100 से ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मल प्योर वाटर जो है 100 पे बॉइल होता है, तो अब ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उस वैल्यू को ही हम क्या कह देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सॉल्यूट की वजह से इस सॉल्यूशन का या इस सॉल्वेंट का, जो ये प्योर सॉल्वेंट था, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो चुका, तो वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या कह देते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अब कम होगा, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो हम कहेंगे कि ये एलिवेशन हुआ है। क्लियर, एलिवेशन का मतलब ऊपर चला जाना, किसी वैल्यू ऊपर जाती है तो हम कहते हैं एलिवेट हो रही है। क्लियर, चलिए अब देखो कि जो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एक्चुअल में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कल जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेटिव लॉबिंग इन वेपर प्रेशर, उसके साथ इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। ठीक है, कनेक्शन ये है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लॉबिंग इन वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसको मैं प्रूफ करूंगा यहां पर कि कैसे होता है। और दूसरी बात कि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, हम इसको भी प्रूफ करेंगे, और हम इसी के हेल्प से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। जैसे ये सॉल्यूट हमने डाला तो अपने को जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, तो हम इसकी मदद से ही सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। एलिवेशन का मतलब समझ में आ गया सबको। अब देखो, अब हम ग्राफ की बात करते हैं, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो अब जस्ट इसको आप देखें, इधर जो है वो वेपर प्रेशर है और इधर जो है वो टेंपरेचर है, इस एक्सिस पर टेंपरेचर है। तीन ग्राफ बनाए हुए हैं ए बी सी। ए ग्राफ जो है वो है सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट। बी ग्राफ जो है वो है सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन वन, ठीक। और जो सी ग्राफ है वो है सॉल्यूशन टू के। अब सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन टू क्यों लिए, ये सिर्फ डेरिवेशन के लिए लिए और इसका कोई यहां पर लॉजिक नहीं है। एक सॉल्यूशन से भी ये ग्राफ बन सकता है और ये डेरिवेशन हो सकता है, बट दो जो हम ग्राफ बनाएंगे उससे ये बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा समझ में आएगा ग्राफ। तो ये हुआ, अब देखो ये यहां पर ये ग्राफ जो है आपस में इसको काट रहे हैं एक्स वाई जेड और ये एक्स वी टी और ये सारी चीजें इसके अंदर इस प्रकार से हैं। ठीक है, टी भी लिखा हुआ है बॉइलिंग टेम्परेचर,
बॉइलिंग टेम्परेचर किसका प्योर सॉल्वेंट का, T1 सॉल्यूशन 1 का बॉइलिंग पॉइंट और T2 जो है सॉल्यूशन 2 का बॉइलिंग पॉइंट। इधर देखो P0 है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, P1 है सॉल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर है और P2 जो है वो सॉल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर है। क्लियर, ये तो ग्राफ के बारे में मैंने बताया। अब अपन इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। एक चीज देखो कि यहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, आप इनको ध्यान से देखिए, ठीक है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है XDY और दूसरा ट्रायंगल देखो XEZ, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहां पर, ठीक है, इनकी हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए ट्रायंगल XDYN XEZR सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, मैथ्स में मैथ्स वाले जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं। तो ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, रिलेशन देखिए क्या होगा, XZ/XY और XE/XD। XZ देखो क्या है, XZ ये रहा, XY ये रहा, XE जो है ये रहा और XD ये रहा। क्लियर है, तो अब देखो XZ की जगह ना मैं वैल्यू रखता हूं, XZ देखो क्या ये है क्या, ये और ये, क्लियर हो गई बात। तो XZ का मतलब यहां हम लिखते हैं T2 - TB, XY देखो क्या हो जाएगा T1 - TB, ठीक है, इसको ध्यान से समझो, कुछ नहीं है बस वैल्यू उठा के रख रहे हैं आपके। अच्छा XE को देखो, XE का आएगा ये वाला, तो P0 - T2 और ये XD जो है P0 - P1 हो जाएगा। अब ये सारे जो क्या है डिफरेंसेस हैं तो मैं इनको ऐसे लिख देता हूं, ये T1 और TB का डिफरेंस है तो मैं लिख देता हूं T2 और TB का डिफरेंस है तो मैं लिखूंगा डेल T2 और ये T1 और TB का है तो इसको लिख देते हैं डेल T1, इसको लिख देते हैं डेल T1 और ये लिख देते हैं डेल P1। क्लियर, अब ये जो है पूरा का पूरा क्या है, ये बेसिकली ये पूरा का पूरा जो है टेंपरेचर बॉइलिंग टेंपरेचर का बीच का डिफरेंस है तो मैं इस पूरे की जगह डेल टी बी लिख देता हूं, ओके, और ये जो है पूरा का पूरा क्या है वेपर प्रेशर का डिफरेंस है तो हम इसको डेल टी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो अगर अपन रिलेशन निकाले यहां से तो ये जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना क्योंकि इक्वल में दोनों, तो इसका मतलब ये होगा डेल टी भी जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। और दूसरी बात यहां देखो, जब अपन मानते हैं कि इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जब स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि नहीं होते, तो वैसे समझ लेंगे। तो ये यहां पर एक सिंपल सा रिलेशन अपने को मिलता है यहां पर कि डेल टी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल बी के। तो यहां मैं अगर रिलेशन की बात करूं तो यहां से एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है ना, तो यहां से एक रिलेशन बनता है। अभी ये हाफ ही हुआ है, अब इसको हम आगे करते हैं। देखो ग्राफ की अभी जरूरत नहीं है, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब देखो भाई, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, देखो क्या होगा राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग। देखो राउल्स लॉ क्या कहता है भाई, P0 - PS / P0 होता है और इज इक्वल टू क्या होता है, कल हमने बात करी थी W/M और इनटू M/W, ठीक है, कल के वीडियो में देखना यहां इसको W, A, M, A, M, B और W भी लिखा हुआ है, वो उसकी जगह मैंने इसको चेंज कराया है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो कि ये वाला जो है इसको मैं डेल P लिख सकता हूं क्योंकि डिफरेंस है ये, अपॉन P0 =
W अपॉन M इनटू M अपॉन W, ठीक है। P नॉट को आगे उधर लेके जाओ, डेल P इज इक्वल टू P नॉट W अपॉन M इनटू M अपॉन W, ये फार्मूला बना। तो किसकी वैल्यू मिली है यहां पर अपने को, ध्यान से देखो, डेल P की वैल्यू वही है और डेल P की वैल्यू ये और ये दोनों आपस में क्या हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वैल्यू को उठा के यहां रख देते हैं इसके अंदर, ठीक है। इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको, इक्वेशन 1 तो 1 के अंदर रख देते हैं, तो देखो क्या बन जाएगा, डेल पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट w अपॉन m इनटू m अपॉन w, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आ जाएगा। अब आगे देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको ये है तो इसका ये जो है प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं यहां से, प्रोपोर्शनल का साइन जैसे ही हटाएंगे तो देखो क्या आ जाएगा, डेल पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल के, स्मॉल के आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया यहां पर, तो के आ जाएगा पी नॉट डब्ल्यू अपॉन एम इनटू एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। स्मॉल के लिख दो यहां पर क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां एक चीज देखनी है, हियर स्मॉल के पी नॉट एंड कैपिटल एम, ये तीनों के तीनों ही क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान से चेक करो, ये भी कांस्टेंट, पी नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर मास है किसका, सॉल्वेंट का, तो वो भी कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इनकी जगह पे बड़ा कांस्टेंट लगा दिया हमने, के जो है इसको हम बोलेंगे एलिवेशन कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, एलिवेशन कांस्टेंट हो गया, एलिवेशन कांस्टेंट है। तो अब इस के को यहां रिप्लेस कर देते हैं वैल्यू, डेल डी वी इज इक्वल टू के स्मॉल डब्ल्यू एम, और एम तो आ गई इनटू कैपिटल डब्ल्यू, ये एक और फार्मूला बन गया, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं इसको। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी सबको, डेल टी वी के डब्ल्यू अपॉन एम इनटू डब्ल्यू। अब देखो भाई इसमें क्या है कि जो ये है नंबर ऑफ मोल है किसके, सॉल्यूट के, और ये जो कैपिटल डब्ल्यू है ये वेट है इसका, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो यहां देखो इफ w अपॉन m इज इक्वल टू 1 एंड कैपिटल w इज 1 ग्राम, तो 1 ग्राम अगर हो तो वहां रख दो सारी वैल्यू, यहां 1 रख दो, यहां 1 रख दो, तो डेल pv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। एक्चुअल में ये डेफिनेशन बताने के लिए बोला हुआ है कि अगर एक ग्राम सॉल्वेंट है उसके अंदर 1 मोल जो है सॉल्यूट के डिसॉल्व होते हैं तो जितना एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, जस्ट फॉर डेफिनेशन। लेकिन अपन ये जानते हैं कि 1 ग्राम सॉल्वेंट जो है ना उसके अंदर इतना अमाउंट ये जो है डिसॉल्व करनी थोड़ी मुश्किल है क्योंकि ये वाली अमाउंट बहुत कम है, तो मैं 1 ग्राम की जगह क्या करूंगा, 1000 ग्राम लूंगा, ठीक है। इफ w upon m is equal to 1 mole, 1 mole and w is equal to 1000 gram, अगर ऐसा हो तो फिर क्या करेंगे, वैल्यू उठा के वापस इसमें रखो, तो डेल pv इज इक्वल टू आ जाएगा k अपॉन 1000, ठीक है भाई। ये तो देखो 1 हो जाएगा, इसकी जगह 1000 आएगा, तो k अपॉन 1000। अब k अपॉन 1000 जो है इसको क्या कहा जाता है, kb कहा जाता है, इसको kb कहा जाता है। फिर kb क्या चीज है, तो kb देखो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। अब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है तो भैया फिर इसका करना क्या है वो देखो, इस मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को kb है ना, तो यहां पर अगर मैं k की वैल्यू निकालूं
तो 1000 के भी आ जाएगी। ध्यान से देखो, यहां से अगर k की वैल्यू निकालें तो 1000 के भी आ जाएगी। इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन इसके अंदर रखेंगे, सेकंड नंबर इक्वेशन थी ये, इस इक्वेशन में रखते हैं। मैंने साफ नहीं किया इसको, अभी देखो इसको, उसको उठा के इसमें रखते हैं।